बहुत छोटी उम्र में आपने एक तहलका मचा दिया है, गाना आपका छलका था छवनिया, तो वो कैसे हुआ, कैसे बना गाना और क्या ध्यान में रख के आपने वो गाना गाया, क्या फीलिंग थी जब वो गाना आपके सामने आया, कितना चैलेंज था आपके लिए और कितनी खुशी हो रही है जब मेहनत रंग लाती है, गाने हिट होते हैं, दर्शक पसंद करते हैं उसको, तो कितनी खुशी होती है उसके बारे में जानना चाहिए। जी, छलका था हमरो जवानिया राजा, जैसे कि बल्टी के पनिया हो कुछ कर, ये गाना है आप लोगों ने भी सुना होगा, भोजपुरी राजा फिल्म का गाना है। और इस गाने के बारे में ऐसा कहना चाहूँगी कि जब ये गाना हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो इसका जो लिरिक्स था वो पहले कुछ और था, फिर बाद में मधुकर भैया ने कुछ उसमें काट छाट किया, जैसा कि हमेशा ही होता है स्टूडियो में, तो उसको बैठकर हम लोगों ने बहुत उस पर बातचीत की कि नहीं ऐसा नहीं है समझो, और देन वी डिसाइड फाइनल लिरिक्स और छलका तमरो जवानी लिरिक्स डिसाइड हुआ और फिर हम लोगों ने गाया। और उस गाने को मैंने दो बार गाया, चली वो और काट छाट में मधुकर जी की चली कि प्रियंका की चली, सबकी चली, मेरी चली, इनकी चली, आजाद सिंह जिन्होंने गाना लिखा है उनकी चली, सबकी, और पवन जी जो भी हैं, तो सबने मिलकर ये डिसाइड किया एंड देन वी रिकॉर्ड, और ये गाना आप सबके सामने है और बहुत बड़ा हिट है। तो कितनी खुशी होती है जब इस प्रकार का, जब दर्शक उसको लाइक करते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और अननोन पर्सन जैसे प्रियंका को इसके पहले कोई जानता नहीं था तो इस गाने से लोग जानने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और इतने कम समय में मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये गाना इतना हिट हो जाएगा जब मैंने रिकॉर्ड किया था, बट आप लोगों ने प्यार दिया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है? प्रियंका जी, चिरहरन के मुहूर्त पे आप आई हैं, क्या कहेंगे? चिरहरन के मुहूर्त के लिए सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी, पूरी एंटायर टीम को। किस तरह का गाने गाने को तैयारियां हुई? जी जी, तैयारियां हुई है और बहुत ही अच्छा गाना है, तो मैं चाहूंगी कि मधुकर जी ने जो गाना अभी अभी नहीं गा, पहले जवनिया छलका था, दो लाइन गुनगुना दें क्योंकि बहुत दर्शक उसको पसंद कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फिर से, तो ये गाना आप सबके लिए एक बार फिर से हम लोग गा रहे हैं। छलकता हमरो जवनिया राजा, छलकता हमरो जवनिया राजा, जैसे कि पलटी के पनिया हो कुछ कोनी, रानी हम हुआ भर लौट बानी हो अवधाली, रानी हम हुआ भर लौट बानी हो अवधाली, छलकता हमरो जवनिया राजा, जैसे कि पलटी के पनिया हो कुछ काली, रानी हम हुआ भर लौट बानी हो अवधाली, रानी हम हुआ भर लौट बानी हो अवधाली। प्रियंका जी, एक सवाल है आपसे कि भोजपुरी के अंदर जितने भी हीरो हैं तो म्यूजिक से रिलेटेड गाना गाते हैं, तो आप कुछ एक्टिंग की आने वाले टाइम पे कुछ एक्टिंग भी करेंगे? सिंगर मतलब अक्सर हीरो बन के आ जाते हैं, हीरोइन बन के आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी इस प्रकार का ख्याल चल रहा है कि गाने यही एक जरिया है कि गाना गाते गाते फट से पर्दे पे आ जाए और हीरो बन जाए या हीरोइन बन जाए? फिलहाल तो मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है, बट जैसा कि हमेशा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि जो सिंगर से वो हीरो बन जाते हैं, जो हीरो सिंगर से ऐसा होता है, बट मेरी